हेलो। तो आज हम जो है सो बात करेंगे उबुंटू 16.04 का, और हम आपको बताएंगे उबुंटू 16.04 कैसा दिखने में है और ये किस तरीके से काम करता है। तो उबुंटू 16.04 जब बूट होगा तो उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरफ आपका जो है, कह सकते हैं कि इस तरफ जो आपका एप्लीकेशंस आप तुरंत एक्सेस करना चाहते हैं या फिर जो एप्लीकेशन खुला हुआ होता है वो एप्लीकेशन यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे स्टार्ट बटन समझ लीजिए, अगर आपने विंडोज़ कभी चलाया हो तो स्टार्ट बटन की तरह यहाँ पे एक ऑप्शन है जिससे कि आप रिसेंट फोल्डर्स जो आपने खोला है उसकी जानकारी देख सकते हैं, और या फिर आप एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने, होम बटन क्लिक करने से नीचे में देख सकते हैं ये आप रिसेंट वाला जो है एप्लीकेशन या फिर फाइल और फोल्डर ये एक्सेस कर सकते हैं। ये राइट में क्लिक करने से जो है आप एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं या फिर डैश प्लगइन से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बगल में एक्सेस करने से रिसेंट डाउनलोड्स और फोल्डर्स जो है एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद ये माई वीडियो है और ये माई ऑडियो का है और ये कैमरा है या फिर फोटो। तो ऑडियो अभी फ़िलहाल मेरे कंप्यूटर में नहीं है तो ये ऑडियो नहीं है, और वीडियो है तो वीडियो दिखा रहा है, और फोटो भी नहीं है तो ये फोटो भी नहीं दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐप्स है जो कि मतलब रिसेंटली, मतलब आप जल्दी बार बार यूज कर सकते हैं। वो यहाँ पे जो है सो ऐप्स है, यहाँ नीचे एक रिसाइकल बिन है, आप रिसाइकल बिन का यूज, जैसे विंडोज में रिसाइकल बिन होता है वैसे यहाँ पे रिसाइकल बिन है। यहाँ पे सबसे लास्ट में ऊपर में जो है, ये क्या खुल गया भाई, ओपन शॉट खुल गया था। तो यहाँ पे जो है सो क्या कहते हैं, आप शट डाउन कर सकते हैं इस ऑप्शन से। इस ऑप्शन में अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अबाउट दिस कंप्यूटर देख सकते हैं, उबुंटू का हेल्प ले सकते हैं, सिस्टम सेटिंग कर सकते हैं, और लॉक स्क्रीन में लॉक कर सकते हैं, और गेस्ट सेशन में जा सकते हैं या आपका जो है करंट सेशन जो है वो दिखा रहा है, या लॉकआउट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं कंप्यूटर को, और या शट डाउन कर सकते हैं। उसके बगल में है कैलेंडर, कैलेंडर से आप करंट डेट देख सकते हैं या टाइम सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद बगल में है साउंड सेटिंग, इसमें साउंड से संबंधित आपका जो है सारा सेटिंग आता है। उसके बगल में है बैटरी, बैटरी से संबंधित सारा सेटिंग। उसके बगल में ब्लूटूथ है, और उसके बगल में है कैरेक्टर यानी कि कीबोर्ड से संबंधित सारा सेटिंग है। उसके बगल में है कनेक्टिविटी से संबंधित सारा सेटिंग है, जैसे कि वाईफाई हो गया, या फिर जो है सो आपका लैन की इथरनेट केबल का कनेक्शन, इस तरीके के सारे कनेक्शन कनेक्टिविटी से सारा संबंधित है। और ये बगल में जो है, उसके बगल में फिलहाल जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है तो वो दिखा रहा है। चलिए अब हम सिस्टम सेटिंग में चलते हैं, सिस्टम सेटिंग के बारे में आपको बताते हैं। सिस्टम सेटिंग में सबसे पहले आ जाता है आपका अपीयरेंस, अपीयरेंस तो सबसे पहले अपीयरेंस आता है। इसमें आप जो है सो बैकग्राउंड से संबंधित, जैसे कि मैं ये सिस्टम का बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, इससे देख सकते हैं आप बैकग्राउंड चेंज हो गया, और या फिर आइकन चेंज कर सकते हैं। जैसे ये लेफ्ट तरफ में जो है ये आइकन, इसका साइज चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि देख सकते हैं आप ये आइकन का साइज चेंज हो रहा है, और या फिर आइकन चेंज कर सकते हैं, और या फिर जो है सो ये जो ऊपर में है इसका कलर चेंज कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं, जैसे रेडियंस हो गया, हाई कॉन्ट्रास्ट हो गया, नॉर्मल एम्बियंस था तो एम्बियंस ही रहने देते हैं। उसके बाद ऑल सेटिंग में ब्राइटनेस एंड लॉक स्क्रीन है, तो यहाँ से आप ब्राइटनेस से चेंज कर सकते हैं डिस्प्ले का। उसके बाद लॉक स्क्रीन में कितने मिनट बाद आप टर्न ऑफ करना चाहते हैं वो सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आता है लैंग्वेज सपोर्ट, तो लैंग्वेज सपोर्ट में लैंग्वेज से संबंधित सेटिंग है, तो ये मैं फ़िलहाल आपको नहीं बताऊंगा। उसके अलावा ऑनलाइन अकाउंट, ये भी आपको नहीं बताऊंगा, सिक्योरिटी ये भी आपको नहीं बताऊंगा, ये आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, ये भी नहीं बताऊंगा। यहाँ पे ब्लूटूथ का सेटिंग है जहाँ पे आप ब्लूटूथ से सेटिंग कर सकते हैं, कलर का सेटिंग है ये भी नहीं आपको बताऊंगा। इसके बाद डिस्प्ले का है, डिस्प्ले का रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं आप यहाँ से, और भी कुछ सेटिंग है यहाँ पे, कीबोर्ड की सेटिंग है, यहाँ पे कीबोर्ड सेट कर सकते हैं, कीबोर्ड कीबोर्ड से संबंधित सेटिंग।
यहाँ पे माउस और टच पैड से संबंधित सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे नेटवर्क से संबंधित सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे पावर से संबंधित सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कितने मिनट बाद सस्पेंड होना चाहिए या फिर कितने मिनट बाद क्या कहते हैं डिस्प्ले का जो है पावर, डिस्प्ले का जो है स्क्रीन ऑफ होना चाहिए। यहाँ पे प्रिंटर से संबंधित सेटिंग है, यहाँ पे साउंड से संबंधित सेटिंग है। अगर ये टैबलेट है तो टैबलेट से संबंधित सेटिंग है, जो कि अब फिलहाल ये टैबलेट नहीं है तो यहाँ पे लिख रहा है नो टैबलेट डिटेक्टेड। यहाँ पे बैकअप से संबंधित सेटिंग है, बैकअप अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं सिस्टम का तो वो उससे संबंधित सेटिंग है। अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। और ये डिटेल है सिस्टम के बारे में, आप देख सकते हैं डिटेल में ये 4 GB रैम, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 1 TB हार्ड ड्राइव है। उसके नीचे जाएंगे तो ये डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस के सेटिंग है। रिमूवेबल मीडिया, अगर आप कोई जैसे रिमूवेबल डिस्क लगाते हैं या फिर कोई पेन ड्राइव लगाते हैं तो ये क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, उसी का सेटिंग है। ये लीगल नोटिस है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ अकाउंट से संबंधित सेटिंग है, फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटर जो है से लॉगिन है तो ये नाम दिख रहा है उत्सव निशांत। तो ये हो गया सेटिंग। और ये कुछ ऐप्स है, डिफ़ॉल्ट ऐप्स आपको मैं दिखा देता हूँ कितने सारे ऐप्स हैं। आप देख सकते हैं एडिशनल ड्राइवर्स है, कैसेट ऐप्स है, अमेज़ॉन है, अपीरेंस है, आर्काइव मैनेजर है, ऑडियो सिटी एक क्या कहते हैं ऑडियो एडिटर है, बैकअप्स है, ब्लेंडर है जो कि 3D एनिमेशन का काम कर एनिमेशन आप कर सकते हैं 3D। उसके बाद ब्लूटूथ का सेटिंग है, ब्राइटनेस लॉक का सेटिंग है, ब्राउज़र है, यहाँ पे कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, कैरेक्टर मैप है, चेक बॉक्स है, क्रोमियम वेब ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट आता है। उसके बाद कलर का सेटिंग है, डेल ड्राइवर इंस्टॉल का सेटिंग है, डेल रिकवरी का सेटिंग है, डेल डेस्कटॉप शेयरिंग का सेटिंग है, डिटेल का है। उसके बाद डिस्क है, डिस्क एंड यूजेज एनालाइजर, आप डिस्क का जो है यूजेज कितना हुआ उसका एनालाइज कर सकते हैं। डिस्प्ले का सेटिंग है, डॉक्यूमेंट व्यूअर है, यहाँ पे फाइल मैनेजर है, यहाँ पे फायरफॉक्स ब्राउज़र है, ये फॉन्ट व्यूअर है, कौन सा फॉन्ट आप लगाना चाहते हैं। ये एक इमेज एडिटर है जो मैंने अलग से इंस्टॉल किया है, जिम बहुत फेमस इमेज एडिटर है जैसे कि। और उसके बाद क्रोम ब्राउज़र है, यहाँ पे जी वेक ऑनलाइन एक ऐप्स है, पता नहीं क्या है ये। उसके बाद हेल्प का ऑप्शन है, उसके बाद आइडिया ICT वेब कंट्रोल पैनल है, उसके बाद ये दो इमेज एडिटर है, ये भी इमेज व्यूअर है, ये किंडल लैब वीडियो एडिटर है, ये कीबोर्ड का सेटिंग है, लैंग्वेज सपोर्ट है, लिब्रा ऑफिस है, लिब्रा ऑफिस ये MS ऑफिस की तरह काम करता है, ये लिब्रा ऑफिस कैल्क, लिब्रा ऑफिस ड्रॉ, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रा ऑफिस मैप, लिब्रा ऑफिस लाइटर, ये सब MS ऑफिस की तरह काम करता है। लॉग आउट बटन है, माउसपैड एंड ट्रैक पैड का है ऑप्शन, नेटवर्किंग का है, नेटवर्क कनेक्शन का है, ऑनबोर्ड सेटिंग है, पता नहीं क्या है, ऑनलाइन अकाउंट्स का है, ये तो अकाउंट्स है, ओपन जेडी ये भी पता नहीं क्या, ओपन शॉट वीडियो एडिटर है, पासवर्ड एंड की जो है पासवर्ड ये भी पता नहीं क्या है, पर्सनल फाइल शेयरिंग का है तो ये आप देख सकते हैं, ये भी पता नहीं क्या है यार। उसके बाद ये पावर का सेटिंग है, उसके बाद पावर एस्थेटिक्स है, उसके बाद प्रिंटर है, उसके बाद रिबूट कर सकते हैं आप इस बटन से, उसके बाद रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट है, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग है, शट डाउन कर सकते हैं इस बटन से। उसके बाद सिंपल स्कैन एक ऐप्स है जिससे कि आप स्कैन कर सकते हैं किसी भी प्रिंटर से। उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेटर है, इससे आप सॉफ्टवेयर सिस्टम अपडेट कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर सकते हैं। उसके सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अपडेट भी सेटिंग है, साउंड ये साउंड सेटिंग है। उसके बाद स्टार्टअप से पता नहीं क्या है, डिस्क स्टार्टअप डिस्क क्रिएटर ये भी पता नहीं क्या है। उसके शुरू को गेम है, सिस्टम लॉग है, लॉग देख सकते हैं आप सिस्टम का। सिस्टम मॉनिटर है, आप इससे मॉनिटर कर सकते हैं CPU को या फिर सिस्टम को या रैम को। सिस्टम सेटिंग है, ये टर्मिनल है, टेक्स्ट एडिटर है,
टेक्स्ट एंट्री है, उसके बाद टाइम एंड डेट है, उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर है, यूनिवर्सल एसएस है, यूज़र अकाउंट है, यू एक्स टर यानी ये भी एक टर्मिनल है, ये है, ये वीडियो प्लेयर है, ये वर्चुअल बॉक्स है जिससे कि आप डिफरेंट अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को एक वर्चुअली जो है सो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। बिल्स मीडिया प्लेयर है, वोको स्क्रीन है, स्क्रीन रिकॉर्डर है, वैकम टैबलेट है, उसका एक्स डायग्नोसिस डायग्नोस है और एक्सटर्न ईवी जो है सो एक टर्मिनल है और नीचे में कुछ डैश प्लगइन्स है आप देख सकते हैं, देखना चाहें तो। इतना हो गया, इसके बाद इसके बारे में तो हम जान गए कि इसमें कौन सा एप्लीकेशन है क्या है, तो यही केवल इसका डेस्कटॉप है और यही जो है इसका सारा फंक्शन है, इसके अलावा इसमें कुछ नया नहीं है। तो आप एक आइडिया लग गया होगा कि उबंटू अगर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने वाले हैं पहली बार के लिए तो आप समझ जाएंगे कि मतलब उबंटू को कैसे रन करना है। और कुछ खास नहीं है इसमें, लेफ्ट क्लिक करने से सॉरी राइट क्लिक करने से न्यू फोल्डर, न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन टर्मिनल, ऑर्गेनाइज डेस्कटॉप बाय नेम, कीप एलाइन और चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड आता है, और लेफ्ट क्लिक करने से कुछ नहीं आता है। और अगर आप इसमें खोलना चाहते हैं किसी आइकन को तो आपको सिंगल क्लिक करना पड़ेगा, डबल क्लिक नहीं करना पड़ेगा, सिंगल क्लिक करना पड़ेगा और सिंगल क्लिक में ही ये खुल जाएगा। और राइट क्लिक करेंगे अगर किसी आइकन पे तो अनलॉक फ्रॉम लॉन्चर आएगा, अगर इसको आप क्लिक कर दीजिएगा तो यह यहाँ से हट जाएगा। अगर आप कुछ भी डिलीट करते हैं सिस्टम में तो वो ट्रैश में यानी कि रिसाइकल बिन में आके सेव हो जाता है। तो ये आपका जो है सो टूर होप करता हूँ अच्छा रहा होगा। तो इसी के साथ बंद करते हैं हमारा टूर, ख़त्म करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये टूर तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।